के हारे बैठे हुए थे, वहां ग्वाल लोग पूजा कर रहे थे जो गाय चराते, उन्होंने राजा को प्रसाद दिया। तो राजा को लगा मैं भाई इतना बड़ा आदमी, इन लोगों का प्रसाद लेकर क्या करूंगा, दिक्कत यही होगी। अभी हमने शीरा जो है भगवान को ऑफर नहीं किया, तो ये शीरा अविनाश जी के घर का है, लेकिन और उसको भी क्या कहते हैं भोग, और एक बार भगवान को ऑफर कर दिया फिर क्या हो जाएगा प्रसाद, और वो किसका हो जाएगा भगवान का। तो राजा ने लगा कि ये भगवान का प्रसाद है, मैं नहीं खाऊंगा प्रसाद, सत्यनारायण जी का था। तो हमेशा देखिए स्टेट ऑफ द माइंड आपका क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना, छोटे लोगों को इग्नोर कर देते, कभी किसी को इग्नोर मत करें, सबसे बड़ी बात है जीवन में। तो राजा को गलती पता चली, हर पूर्णिमा के दिन बाल लोग पूजा करते हैं, राजा वहां गए प्रसाद लिया, सारे दुख दूर हुए। हमें लगता है कि शीरा खाने से क्या सुख आ जाएगा जीवन में, लेकिन गीता में कृष्ण भगवान ने प्रसाद की डेफिनेशन, ये फ्रूट ड्राई फ्रूट शीरा हलवा पूरी ये सब कुछ क्या है, सिंबॉलिक प्रसाद। सच्चा प्रसाद क्या है, गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। पूजा पूरी होती है फिर अंत में क्या होता है, प्रसन्नता आनंद, वही सच्चा प्रसाद। जीवन में, जीवन में कोई भी काम आप करें उसके बाद अगर आप प्रसन्न है तो बोलते हैं ना कि आपको प्रसाद मिल गया, अगर आप प्रसन्न नहीं है तो गड़बड़, तो श्रम ही केवल, तो आपने सिर्फ श्रम ही किया। भगवान कृष्ण जो है ना, जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी के समय हम क्या बोलते हैं, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेर कौन आया, आनंद, भगवान क्या देने वाले हैं आनंद, और उन्हीं से अगर जो हमें आनंद नहीं मिलता तो वो जो M7 M4 पे लिखते हैं ना रॉन्ग वे गो बैक, गलत जगह पर ना बड़ा बोर्ड, तो उस 5 मिनट आपने पूजा करी और फिर आपको लगा कि उससे मुझे आनंद ही नहीं मिला, मतलब रॉन्ग वे गो, कहीं गड़बड़ हो रही है। तो भगवान एक ही चीज देने वाला है, शांति और आनंद प्रसन्नता। और मैंने शुरुआत में भी कहा ना कि हमारे घर में टीवी सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट डिनर सेट और रहने वाले अपसेट सेट बढ़ रहे हैं, आदमी अपसेट हो रहे हैं, तो प्रसन्नता सबसे बड़ा प्रसाद है। तो भगवान की पूजा प्रार्थना उपासना से क्या होता है, आदमी प्रसन्न रहता है, और जो प्रसन्न रहता है आदमी वही किसी को प्रसन्नता दे सकता है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जहां जाते हैं वहां प्रसन्नता हो जाती है, और दूसरे तरीके के लोग जहां से जाते हैं ना वहां प्रसन्नता हो जाती है। Well said. आप में अगर वो आनंद होगा तो ही आप किसी को आनंद दे पाएंगे, तो इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहे सबसे बड़ा सूत्र ये है जीवन का। तो भगवान की यहां पर ये बात बताई गई, और शीरे के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस जो है ना वो फूड में खाने में, जिसके आजकल लोग डाइट ज्यादा करते हैं, लेकिन जिसके हाथ का खाएंगे ना उसके आप वाइब्रेशंस ले रहे हैं। आप कोई भी चीज जब खाते हैं ना तो 3 तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है हमारे शरीर में। उसका जो स्थूल भाग है वो आपके शरीर में से मल और मूत्र के रूप से निकल जाता है, उसका जो मध्यम भाग है वो आपके शरीर में लहू मतलब ब्लड हड्डियां विटामिन ये बनाता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो आपका मन बनाता है। आदमी कहता है ना मेरे मन में ये नहीं, तो मन भी कहां से बनता है, आपके खाने से, आपका आहार क्या है उससे आपका मन बनेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो अन्न खाएंगे ना, इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पण करे बिना अगर जिन्होंने खाया है वो पाप उन्होंने ग्रहण किया है। तो ईश्वर को अर्पण कर हमेशा खाए। आप ऑफिस में है अपने काम पे है घर में है हमेशा बस इतना तो कह सकते हैं ना कि हे ईश्वर आपको अर्पण करके मैं ये खाना अब खाने जा रहा हूं, तो वो अर्पण करके खाएंगे ना उसके वाइब्रेशंस चेंज हो जाए। तो यहां पर ये प्रसाद की कथा बताई, जिन जिन लोगों ने भगवान की पूजा की उनके दूसरे जन्म कहा, तो सबसे पहले आया कि जो पंडित जी थे वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के पंडित जी कृष्ण भगवान के मित्र बने। और बड़ी अच्छी एक बात बताऊं सुदामा जी के साथ, सुदामा जी की एक स्टोरी आपको शायद पता होगी कि वो और कृष्ण भगवान पढ़ रहे थे साथ में, और रात को एक दिन लकड़ी काटने जंगल में गए तो उनकी जो सांदीपनी जी की पत्नी ने उनको चने दिए,
और सुदामा ने खा लिए, कृष्ण जी को नहीं दिए, और उसके कारण उन्हें दिखते हैं कि उनके जीवन में दरिद्रता है, वो दरिद्र हो, उन्होंने दिया नहीं इसलिए। लेकिन कथा ये अधूरी है, कथा पूरी ऐसी है कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम के पास एक वृद्ध महिला रहती थी, काफी भगवान की भक्त थी, वैष्णव थी, बहुत बहुत गरीब थी, किसी से कुछ दो आना पैसा उधार लेके आई और भगवान के लिए गुड़ और चना चना लेके आई, कहा कि कल कुछ बड़ा दिन है तो भगवान ठाकुर जी को चना का भोग लगाऊंगी, गुड़ चना का। तो घर में चूहे वगैरह आते रहते तो उसको उस पर टांग दिया, पहले के जमाने में उस पर टांगते थे ना सीलिंग के ऊपर। तो रात को चोर आया, चोर को लगा कि वहां कुछ टंगा है, यानी कि वहां कुछ अमूल्य चीज होगी, तो वो पोटली ले ली और ये जो वृद्ध महिला थी वो जग गई, उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, तो वो घबरा गया चोर, उसने देखा कि इसमें तो चना है गुड़ है, तो वो पोटली सांदीपनी ऋषि के आश्रम में फेंक के निकल गया, वो गुरु माई के हाथ में है, उन्होंने देखा गुड़ चना है, और वही समय सुदामा और कृष्ण जी जा रहे थे, तो वो सुदामा जी को दे दी कि आप दोनों रात को ये खा लेना। सुदामा जी इतने ब्रह्म ज्ञानी थे कि उन्होंने वो हाथ में रखते ही उनको पता चल गया ये चोरी का अन्न है, और ये चोरी का अन्न अगर ये त्रिभुवन का नाथ खाएगा, ये तो पूरा दुनिया चलाते हैं, विश्व चलाते हैं, तो पूरा विश्व दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि पूरा विश्व इनके अंदर है, तो उससे बेटर है कि मैं ही ये जहर पी लूं, मैं अकेला दरिद्र रहूंगा तो ठीक है, पूरा विश्व दरिद्र ना हो, और उसी के कारण सुदामा ने वो खा लिया। तो ये सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे इतने सारे। तो मैंने कहा ना कि अन्न जैसा होता है ना, वो आपका मन बनाता है, तो ईश्वर को हमेशा अर्पण कर कर खाए तो आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। रेस्टोरेंट में खाएंगे, शेफ के मन में क्या होगा कि बस ये लोग यहाँ आते रहे या मुझे नई जॉब कब मिलेगी तो हमारे मन में भी वही रहता है हमेशा। तो इसीलिए हमेशा जो कुछ भी खाए ईश्वर को अर्पण कर कर, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर यहाँ पर लिखा कि लकड़ी बेचने वाला दूसरे जन्म में केवट नाम का राजा बना, राम भगवान का मित्र बना। फिर एक राजा को आज्ञांकित संतान चाहिए थे, वो दशरथ नाम के राजा बने, राम भगवान पुत्र बनकर आए, आज्ञांकित संतान मिला। साधु नाम का बनिया, इतना दानेश्वरी राजा बना कि आधा शरीर काट के दान कर दिया, उसका मतलब अंग दान, आपके ऑर्गन्स की अगर आप डोनेट करके जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात। और अंत में जो राजा थे वो मनु नाम के राजा हुए और मनुस्मृति का उन्होंने ग्रंथ दिया। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान कैसे है अनंत, उनकी कथा भी कैसी अनंत। सत्य को दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं, सत्य क्या है, हर आदमी को सत्य अच्छा लगता है। एक आदमी है सबसे झूठ बोलता है, लेकिन उसके मन में क्या है, मैं सबसे झूठ बोलूं लेकिन सारे लोग मेरे साथ सच बोलने चाहिए। सबको इच्छा किसकी है, सत्य की। कोई आदमी बड़ा क्रोधी है, सब पर क्रोध करता है, लेकिन उसको होगा कि हाँ सब लोग मुझे मुझ पर भी क्रोध करें, नहीं मेरे साथ शांति से बात करें। सबको अपने लिए सत्य ही चाहिए, इसीलिए हम पूजा करते हैं सत्यनारायण कि हमें जो चाहिए वो हम किसी और को देना शुरू करें, उसी का नाम सत्यनारायण। तो हमेशा भगवान से यही। और देखिए एक चीज है कि जीवन में ना उत्तम जो चीज है ना उसको प्राप्त करने के लिए हमें, उत्तम चीज को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है हमें। और निम्न यानी कि हल्की चीज ना अपने आप आ जाती है। किसी को कोरोना हुआ है, उसके पास जाकर आप बैठ जाए आपको भी कोरोना हो जाएगा, लेकिन कोई सिक्स पैक वाला है आदमी उसके साथ बैठ जाइए घंटा, सिक्स पैक नहीं आएगा, आपको जिम में जाना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी चीज के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है और बुरी चीज अपने आप आती है, ये इस विश्व का सिद्धांत है। तो हमेशा अच्छी चीज के लिए प्रयत्न करें। तो जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए भी अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से गीता में कि ये सब कुछ आप बता रहे हैं भगवान ज्ञान, लेकिन डिफिकल्ट है, कैसे किया जाए। तो भगवान एक ही उत्तर देते हैं, अभ्यासेन, प्रैक्टिस कर लो। तो जीवन में हमेशा इसीलिए 5 मिनट 10 मिनट सुबह में ईश्वर को देने हैं। तो इसीलिए देखिए हम ग्रेजुएट हुए, कोई मैनेजमेंट में हुआ, कोई साइंस में, कोई इसमें, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ हम उस जो फील्ड है उसके पूरे जानकार है, एक्सपर्ट है, हम नहीं कह सकते। 12-15 साल पढ़ने के बाद भी हम ये क्लेम नहीं करते हैं, तो फिर हमने तो ईश्वर को जाना ही नहीं है।
तो इसीलिए शास्त्रों का आधार है ताकि आप ईश्वर को अच्छे से जान सके, और जो जानेगा वही ईश्वर को समझ पाएगा। मोबाइल कितना भी अच्छा ले आए $2,000-3,000 वाला, बताने के लिए अच्छा रहेगा हाँ मेरे पास ये वाला अपग्रेडेड फोन है, लेकिन अगर इसके फीचर्स ही आपको आते नहीं है तो आप इंजॉय कर पाएंगे फोन को? तो बस भगवान को जानने से ही आप उनकी महत्व को समझ पाएंगे। तो इसीलिए जानने के लिए ये शास्त्रों का आधार है। तो भगवान को कहेंगे हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नया मोबाइल लैपटॉप लाते हैं ना तो एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, वरना वायरस आ जाता है। ये कोरोना का भी वायरस आया और उसकी वैक्सीन भी आ गई, बूस्टर भी आ गए, लेकिन हमारे मन में जो वायरस आते हैं उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो उनका उनकी वैक्सीन ये उनका नाम ही है। तो इसीलिए हमेशा उनको याद करते रहिए ताकि हमारे मन में वो विकार ना आए, राइट। तो ये पंचम अध्याय को ईश्वर के चरणों में अर्पण करें। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया नमः। पंचमोध्याय संपूर्ण। ओम महर्षि सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम।